children, this is the second video, and yes, this is Push English. I'm Renuka Singh, continuing with the second video of the chapter or letter to God. The first video contains not only the explanation of the chapter line to line, but in the hearts of all who lived. So we'll start from here, children. We were here. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Lekin us एक अकेले घर में जो बिल्कुल घाटियों के बीचों बीच था, यानी लैंचो के घर वाले, उनके हृदय में कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी, और वो उम्मीद थी एक आखिरी उम्मीद भगवान से मदद की. यहाँ तक कि लैंचो ने भी कहा, डोंट बी सो अपसेट, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. और अभी भी उनके अंदर एक उम्मीद ये थी कि आप अपसेट मत हो सब लोग, हालांकि बहुत बड़ा लॉस हुआ है हम लोग को, हमारा क्रॉप ख़त्म हो गया, एकदम बर्बाद हो गया है, बट कोई भी भूख की वजह से नहीं मरेगा. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. और इसीलिए बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा, कोई ना कोई ऊपर वाला इंतज़ाम कर ही देगा, कोई ना कोई इंतज़ाम ऊपर वाला कर ही देगा. सो ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड. पूरी रात लैंचो जो है यही सोचता रहा कि किस तरीके से भगवान से ये मदद ली जाए, जिसकी आँखें, हुज आइज़, यानी भगवान की आँखें, as he had been instructed, see everything, उसे जैसे समय के साथ ये बताया गया था कि ऊपर वाला जो है हम सबको देखता है, he see everything, even what is deep in one's conscience, आपके दिल के अंदर क्या चल रहा होता है वो भी आप उस भगवान को पता रहता है. conscience का मतलब an inner sense of right and wrong, यानी जब हम सही और गलत के बीच का फ़र्क समझने लगते हैं, हमारा ज़मीर, हमारी अंतरात्मा उस चीज़ को जानती है. लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. लैंचो को ऑक्स क्यों कहा है? ऑक्स इसलिए कहा है लैंचो को क्योंकि वो जैसे एक ऑक्स, एक बैल जो है खेतों में खटता है, खेतों में बार बार लगा रहता है, काम करता रहता है. लैंचो एक बहुत ही मेहनती किसान था, इसलिए जो है उसे ऑक्स कहा गया है यहाँ पर. एंड लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जानवर की तरह काम करता था. लेकिन फिर भी थैंक गॉड ही वॉज जस्ट नॉट मैन ऑफ फार्म्स फील्ड्स, बट ही ऑल्सो न्यू हाउ टू राइट, यानी कि लिखना उसे आता था, पढ़ा लिखा था थोड़ा बहुत, भले ही थोड़ा बहुत कि लिखना आ जाए. तो आने वाले संडे, यानी जो कमिंग संडे था, उस दिन सुबह होते ही उसने एक चिट्ठी लिखनी शुरू की, और जो उसने डिसाइड किया वे खुद ही वुड कैरी इट टू टाउन, और वहाँ पर ले जाएगा और खुद लेटर बॉक्स में डाल देगा. और वो क्या था उसने जो लिखा, इट वॉज अ लेटर टू गॉड. सो हियर कम्स दी टाइटल ऑफ दी स्टोरी. ओके, तो उसने बहुत सोच समझ कर एक चिट्ठी लिखी भगवान को. गॉड ही रोट. अब चिट्ठी में जो कंटेंट था वो ये है हमारे पास, ठीक है, ये चार लाइनों में, शॉर्ट में उसने लिखा, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि भगवान अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार भूखे रहेंगे इस साल. हमें सिर्फ 100 पैसोस की ज़रूरत है ताकि मैं अपने खेतों में दोबारा से फसल लगा सकूं, बीज बो सकूं, और अगली फसल आने से टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्ट्रॉम. और फिर उन्होंने पूरी कहानी डिटेल में लिख दी कि कैसे पत्थरों के पड़ने से, ओलों के पड़ने से फसल बर्बाद हो गई. तो मुझे खर्चा सिर्फ 100 पैसों का चाहिए ताकि मैं नए बीज खरीद के लाऊँ और अगली फसल लगा सकूं ताकि मेरा परिवार भूखों ना मरे. उसने एनवेलप लिया, उस पर टू गॉड बड़ा बड़ा लिखा, लेटर को लेटर बॉक्स के अंदर डाला, पोस्ट बॉक्स के अंदर डाला. स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. डिस्टर्ब तो था ही, इतनी बड़ी बात हुई थी, टाउन गया पोस्ट ऑफिस में. उसने ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर. उसने स्टैम्प लगाया चिट्ठी पर और उसके बाद उसे मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया. एक एम्प्लॉई थे, उन्होंने देखा, एक एम्प्लॉई थे जो कि पोस्टमैन थे उसी पोस्ट ऑफिस में, उन्होंने एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, मतलब वो पोस्ट ऑफिस में भी काम करते थे और जा करके जगह जगह घूम करके चिट्ठियाँ भी बांटा करते थे. वो अपने बॉस के पास गए हंसते हुए, यानी पोस्टमास्टर के पास, और उन्होंने वो चिट्ठी दिखाई, लेटर टू गॉड जो लैंचो ने लिखी थी. उन्होंने अपने करियर में, पूरे इतने सालों की सर्विस में, पोस्टमैन ने कभी भी ऐसा कोई एड्रेस नहीं देखा था. तो पोस्टमास्टर जो कि एक फैट सा, एमिएबल सा, यानी फ्रेंडली और काफ़ी प्लेजेंट किस्म की पर्सनालिटी थी पोस्टमास्टर की, उन्होंने देखा और वो हंसने लगे.
ठीक है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस. लेकिन थोड़ी देर में उन्हें इस बात की सीरियसनेस समझ में आई कि वाकई वो इंसान कितना परेशान होगा कि भगवान से मदद मांग रहा है. सो ही स्टार्टेड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क. टैपिंग का मतलब क्या होता है? टैपिंग मतलब बीटिंग जेंटली. ठीक है, टैपिंग का मतलब होता है बीटिंग जेंटली, जैसे हल्के हल्के हाथ से टैप करना, पैट करना, बीट करना. और उसके बाद से उन्होंने जो है कमेंट किया, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ अ मैन हु रोट दिस लेटर. उन्होंने कहा क्या ट्रस्ट है, कितना बड़ा विश्वास ये भगवान पर कर रहा है. काश ऐसा विश्वास, ऐसा फेथ मुझे भी अपने भगवान पर होता कि ही सो कॉन्फिडेंट दैट ही हैड रिटन अ लेटर टू गॉड. उनकी एग्जिस्टेंस का पता नहीं, लेकिन उसने करस्पॉन्डेंस शुरू किया गॉड के साथ, चिट्ठी लिखी. तो कहीं ना कहीं वो एक फेथ है भगवान पर कि नहीं. तो वो ये नहीं चाहते थे कि इस व्यक्ति का जो भगवान पर विश्वास है वो शेकन हो जाए, टूट जाए, शैटर हो जाए. इसलिए एक आइडिया आया उनके दिमाग में. उन्होंने चिट्ठी का आंसर, चिट्ठी का जवाब देंगे वो ये तय किया. जैसे ही उन्होंने उसको ओपन किया, इट वॉज़ एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. उन्हें लगा सिर्फ अच्छी बात नहीं लिखनी है, अच्छा आपका विचार अच्छा नहीं चाहिए, सिर्फ ये कह देना कि मैं मदद करूँगा ये नहीं. उनकी समझ में आ गया कि उस चिट्ठी में क्या डिमांड है. उस चिट्ठी में 100 पैसों की ज़रूरत है, 100 पैसोस, और उसे इसका इंतज़ाम करना पड़ेगा अगर सही मायनों में वो इस आदमी की मदद करना चाहता है. तो मतलब गुडविल, इंक और पेपर के अलावा कुछ और भी ज़रूरत था, और वो था मॉनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन. सो लेकिन वो अपने रेजोल्यूशन पर, रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है बच्चों? रेजोल्यूशन का मतलब होता है डिसीजन या डिटर्मिनेशन, यानी अपने फैसले पर वो अडिक था, अपनी डिटर्मिनेशन. वो उसने सोच लिया था मदद करना है, मतलब करना है. तो रेजोल्यूशन का मतलब डिसीजन या डिटर्मिनेशन होता है. और उसने अपने ही एम्प्लॉयज से शुरुआत अपने से की, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया, उसके बाद अपने बाकी के एम्प्लॉयज़ से मदद, जिसको जितना देना है हेल्प कर दे. कुछ फ्रेंड्स ने पैसे भी दिए, और उन्हें लगा कि चलो ठीक है, कम से कम इसी बहाने चैरिटी हो जाएगी, किसी गरीब की मदद हो जाएगी, और हम एक नीडी व्यक्ति की, मतलब चैरिटी क्या होता है बच्चों? चैरिटी इज़ एक्ट ऑफ हेल्पिंग द नीडी. कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान जो जिसको मदद की ज़रूरत है, जब आप उसकी मदद कर देते हैं, उस एक्ट को चैरिटी कहते हैं. दान हो जाएगा इसी बहाने. तो कुछ फ्रेंड्स ने पैसे दिए, जब सब कुछ मिलाकर देखा गया तो इतना नहीं हो पाया, मतलब सबने किया लेकिन 100 पैसे कलेक्ट नहीं हो पाए. तो उन्होंने मोर देन हाफ, मतलब 50 से ज़्यादा था लेकिन 100 से कम था. तो एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं दिया है, लेकिन इट वॉज ऑलमोस्ट, वो आगे और क्लियर हो जाएगा. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ. लिटिल मोर देन हाफ मतलब 50 पैसों से ज़्यादा, लेकिन 100 पैसों से कम था. ठीक है ना, 100 से कम था. तो ये रेंज याद रखना आपको. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप. उन्होंने एक एनवेलप में डाला, लेंचो का एड्रेस लिखा उस पर, और एक लेटर भी लिखा, सिर्फ एक सिंगल वर्ड सिग्नेचर करते हुए. और उन्होंने सिग्नेचर किया गॉड. ठीक है, यानी गॉड की तरफ से आ रहा है. अगले ही संडे लेंचो थोड़ा जल्दी ही आ गया. उसे लगा ज़रूर मेरे लिए चिट्ठी आई होगी पक्का. तो उस उम्मीद से पोस्ट ऑफिस खुद ही आ गया, पोस्टमैन का इंतज़ार नहीं किया कि वो आके घर में देंगे हमें चिट्ठी. सो ही वॉज क्वाइट कन्विंस्ड कि ज़रूर चिट्ठी आई होगी. और पोस्टमैन खुद, जिन्होंने वो चिट्ठी ले जाके पोस्टमास्टर को दिखाई थी, वही हु हैंडेड द लेटर टू हिम बाय द पोस्टमास्टर. अब पोस्टमास्टर को तो ये लगा मैंने बहुत ही अच्छा, संतुष्ट थे वो. ही वॉज कंट, इट वॉज कंटेंटमेंट. कंटेंटमेंट की मीनिंग क्या होती है बच्चों? कंटेंटमेंट का मतलब एक इनर खुशी मिलती है आपको, एक संतुष्टि मिलती है, इनर जॉय होती है. ये ऐसी फीलिंग है जब आप बहुत किसी की मदद करके आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसको कंटेंटमेंट कहते हैं. तो वो एक अच्छा काम करके बहुत खुश थे. और लेंचो ने बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ लेंचो, उसे लग रहा था ही वॉज एक्सपेक्टिंग इट. और पैसा देख के वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गया, और उसका कॉन्फिडेंस तो था ही, सरप्राइज नहीं हुआ मतलब वो, बल्कि नाराज़ हो गया. जब उसने पैसे काउंट किए तो उसने कहा ये भगवान तो गलती ऐसी नहीं कर सकता, ये ज़रूर जो है किसी और का हाथ है इसमें. क्योंकि लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड.
तो भगवान ये गलती नहीं कर सकता। दूसरा, भगवान लैंचो की इस रिक्वेस्ट को डिनाई भी नहीं कर सकता, यानी नकार भी नहीं सकता। तो ये तो गड़बड़ी कहीं और हुई है। इमीडिएटली लैंचो विंडो पर गया, काउंटर विंडो पर, और उसने पेपर और इंक मांगा और वहीं पर पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड राइटिंग, ठीक है, और अपनी रिंकलिंग ऑफ हिज आईब्रो, ऑफ हिज ब्रो, यानी कि अपनी आँखों को जो है उस पर त्योरियाँ उसकी चढ़ी हुई थी, नाराज़गी थी उसको, और उसने जो कि साफ दिखा रहे थे कि उसके दिल में क्या चल रहा है। जैसे ही उसने कुछ लिखना बंद किया, कुछ लिखा उस चिट्ठी में दोबारा, मतलब एक चिट्ठी भगवान को लिखी, वो विंडो पे गया, स्टैम्प खरीदा, स्टैम्प को थोड़ा सा थूक लगाया और वहीं पे चिपका दिया, एंड देन ही एफिक्स्ड इट ऑन दी एनवेलप। ये आप देख सकते हैं, ये लैंचो है और ये वहाँ से वो चिट्ठी पर स्टैम्प लगाकर दे रहा है ताकि वो पोस्ट हो सके। द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फीस्ट, और जैसे होता है ना कि थूक लगा करके स्टैम्प रखते हैं और उसको मुक्के से मार देते हैं, फीस्ट यानी मुक्के से, ठीक है ना, तो वो चिपक जाता है उस पर। तो जैसे ही वो लेटर, इट फेल इनटू मेल बॉक्स, ऑब्वियसली लैंचो तो चला गया मेल बॉक्स में डालकर, पोस्टमास्टर गए, उन्होंने उसको खोला क्योंकि उन्होंने देखा ही था लैंचो ये काम कर रहा है। उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें सिर्फ 70 पैसोस थे। तो अभी आपको क्लियर हो गया ना कितना अमाउंट था, 70 पैसोस ही मेरे पास पहुँचे, मुझे बाकी का भी भेज दीजिए, मुझे उसकी सख्त ज़रूरत है, बट अब की बार मेल से मत भेजिएगा क्योंकि यहाँ पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं, दे आर बंच ऑफ क्रुक्स, बंच ऑफ क्रुक, बंच मतलब होता है गैंग, और क्रुक्स का मतलब होता है स्विंडलर्स, यानी डिसऑनेस्ट पीपल, स्विंडलर्स बोलते हैं उनको, दीज आर डिसऑनेस्ट पीपल। तो आप सोचिए, जिन लोगों ने लैंचो की मदद की थी उन्हीं पर ये इल्ज़ाम लगा कि वो भ्रष्ट हैं, वो चोर हैं, ठीक है। तो ये हुआ लैंचो की कहानी में, अ लेटर टू गॉड, इसके बाद से मतलब दिस इज़ ऑल अबाउट लैंचोज कंप्लीट फेथ इन गॉड एंड देन द स्टोरी टेल्स दिस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, एंड ओके, विल मीट विद द नेक्स्ट लेसन इन 2 or 3 days। प्लीज़ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो टू गेट अपलोडेड, एंड प्लीज़ शेयर इट विद अमंगस्ट योर फ्रेंड, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल दोज हु हैव नॉट डन इट। Bye bye, God bless you all, keep studying. Yeah.